नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों हमें आपके लिए जीआईबी सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड वीडियो है एलआरएबी की स्ट्रेटेजी पे। एलआरएबी जो हमारा थर्ड पेपर है उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो रजिस्ट्रेशन है जीआईबी के वो शुरू हो रहे हैं 1 सितंबर से और आपका जो एग्जाम है वो शुरू होगा 12 नवंबर से। ओके ये तो हम पहले जान चुके हैं। ये 4 मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस मॉड्यूल में कितने चैप्टर दिए हुए हैं। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो मॉड्यूल ए दिया हुआ है उसमें क्या है और मॉड्यूल बी क्या है, फिर अगले वीडियो में सी और डी पे चर्चा करेंगे। देखिए मॉड्यूल ए में हमारे 5 चैप्टर हैं। जैसे पहला है लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशंस ऑफ बैंक। इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि बैंक का बिजनेस कैसे होता है, आरबीआई के रूल बैंक पे किस तरह से लगते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, ये सारा दिया हुआ है आपको पहले चैप्टर में। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। बैंकों को लाइसेंस कैसे देती है आरबीआई, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, चेयरमैन का टेन्योर क्या होता है, डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं उनका टेन्योर क्या होता है, सीआरआर एसएलआर जो मेंटेन करना होता है बैंकों को वो किस तरह से करते हैं, उनसे रिलेटेड क्या रूल है, क्या पेनल्टी लगेंगी, वो दिया है आपको सेकेंड चैप्टर में। जो थर्ड चैप्टर है हमारा रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, इसमें बैंकों को किस तरह से रेगुलेट करती है आरबीआई, डिपॉजिट से रिलेटेड क्या रूल है, कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लोन्स एंड एडवांसेस के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, इंटरनेट बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की क्या गाइडलाइन है, ओम्बड्समैन क्या है, मनी मार्केट किस तरह से काम करता है, ये सब आपको दिया हुआ है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न इंस्पेक्शन वाइंडिंग अप मर्जर और एक्विजिशन। क्योंकि आपको पता है कि पिछला जो दौर रहा है 2-3-4 साल का उसमें काफी सारे अमलगमेशन हुए हैं, मर्जर्स हुए हैं। ओके तो बैंकों की ऑडिट जो आरबीआई करता है या इंटरनल ऑडिट होती है उससे रिलेटेड क्या रूल है, कौन कौन से रिटर्न आरबीआई को सबमिट करने होते हैं बैंकों को, रिकॉर्ड्स जो बैंकों के पास होता है चेक है या दूसरे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कितने टाइम तक मेंटेन करना है, फिर बैंकों का अमलगमेशन क्या होगा उससे रिलेटेड नॉर्म्स क्या हैं, मर्जर और एक्विजिशन से रिलेटेड क्या नॉर्म्स हैं, वो सब दिया हुआ है इसमें। फिर अगर आरबीआई की बात बैंक नहीं मानते तो उनको क्या पेनल्टी आरबीआई लगा सकता है, ये सारा मॉड्यूल इसमें चैप्टर 4 में दिया हुआ है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है और 5वां जो चैप्टर है वो दिया है पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव बैंकों का जो अलग अलग सेटअप है। जैसे पब्लिक सेक्टर में एसबीआई का अलग सेटअप है, बाकी पब्लिक सेक्टर का अलग है, आरआरबीज का अलग सेटअप है, कोऑपरेटिव बैंक का अलग सेटअप है, तो उसके बारे में पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है। अब आप देखिए जो मॉड्यूल ए है आपका इसमें से कंपेरेटिवली क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है जो आपका मॉड्यूल सी और डी है मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आते हैं, उससे कम क्वेश्चन फिर बी से आते हैं और सबसे कम क्वेश्चन मॉड्यूल ए से आते हैं। परंतु मॉड्यूल ए में आपका जो 4th चैप्टर है ये मर्जर इक्विजिशन वाला, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको क्विकली आप कर लें क्योंकि अभी तो हमारे पास सफिशियंट टाइम है तो हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें से भी हमारी कोशिश ये होगी, देखिए मॉड्यूल ए और बी को मिला के आपको 30-40 क्वेश्चन आते हैं ए और बी को मिला के। अब हम बी के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर इसको समझेंगे कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। देखो मॉड्यूल बी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, यूं तो इसमें 13 चैप्टर दिए हुए हैं पर ये 8-9 चैप्टर ही हैं अगर इनको कंसोलिडेट करेंगे तो। किस किस तरह के बोरोवर्स होते हैं आपके पास, कंपनी अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट है, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोरोवर्स, अलग अलग तरह की क्रेडिट फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन है, बिल फाइनेंस है, एलसी है, बीजी है, वो सारा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन में क्या फर्क है, कैसे देते हैं, फिर फर्म्स को जब लोन देते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती हैं उनका क्या सिस्टम है, इंडेमनिटी क्या होती है, बैंक गारंटी और एलसी में क्या फर्क है, बिल फाइनेंस कैसे करते हैं, जब सिक्योरिटीज जो लेते हैं उन पर अलग अलग चार्ज लगाते हैं, किसी पे असाइनमेंट है, किसी पे हाइपोथेकेशन है, किसी पे प्लेज है, वो क्या है, ठीक है ना, और किस किस तरह के हम सिक्योरिटी लेते हैं, कोई लिक्विड सिक्योरिटी है, कोई इमूवेबल सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड रूल हैं, फिर चार्ज क्रिएशन, जब हम कोई भी एसेट लेते हैं तो उस पर चार्ज क्रिएट करते हैं, जब उसका लोन पे हो जाता है तो वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज करना पड़ता है, ये सब इसमें दिया हुआ है, और पेइंग और कलेक्टिंग बैंकर की चेक से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ए और बी मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ए के बजाय बी मॉड्यूल जो है आपका ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादा क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। देखिए ए और बी को मिला के 30-40 क्वेश्चन आपके आते हैं, टोटल 120 जो आते हैं उसमें से आप समझिए सी और डी में से 60-80 क्वेश्चन आते हैं और ए और बी मॉड्यूल से 30-40 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये सी मॉड्यूल है जिसपे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और ये डी मॉड्यूल है इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है,
जब आप बैंक में काम कर रहे होते हैं तो अपने सीनियर्स के साथ में कोशिश करें कि कुछ टॉपिक्स पे, जो जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे केवाईसी नॉर्म्स हैं, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड क्या गाइडलाइन है, लोन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिक्योरिटीज पे चार्ज कैसे क्रिएट होता है, क्यों हम किसी पे हाइपोथेकेशन लगा देते हैं, किसी पे प्लेज लगा देते हैं, ये अगर किसी समझदार सीनियर के साथ में जो लोन्स में बैठते हैं या जो डिपॉजिट की अच्छी नॉलेज रखते हैं उनसे अगर डिस्कस करेंगे तो आपको जब वर्किंग कर रहे हैं उसी के दौरान आपका काफी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट हम आपको हमारी वीडियो लाइब्रेरी से तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, पर आप जानते हैं वीडियो में एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमारी वीडियो लाइब्रेरी है जो आपके लिए उपलब्ध है, चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज वीडियो दिए हुए हैं, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पीडीएफ दिया हुआ है आपको, उससे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में करने के लिए आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। एलआरएबी में मैं समझता हूँ 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया हुआ है, 120 क्वेश्चन के फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनसे भी आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ ए और बी मॉड्यूल के बारे में आपको इसमें जानकारी मिल गई है। अगले वीडियो में हम सी और डी मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे कि उनमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आप कंसोलिडेट करके इसकी पूरे की तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो लाइब्रेरी हमारी, आप सब्सक्राइब कर लें, वेबसाइट पर चले जाएं www.motivationalbanker.com। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन, टेलीग्राम पे आपको काफी सारी जानकारी इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे हम सारे अपडेट्स देते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तैयारी करें, जम के तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको 60-70 मार्क्स लाना आसान होगा एलआरएबी के पेपर में। जैसा मैंने शुरू में कहा, छोटा पेपर है, स्कोरिंग है, सबसे लास्ट में होता है, तो इसका हमको फायदा उठाना है। परंतु इनिशियली अभी इसे तैयारी शुरू करेंगे तो हमको 10 दिन में इसको खत्म करना है और अगले 5 दिन में इसको रिवाइज करना है, फिर इसको छोड़ देंगे, बाकी फिर हम पीपीबी और एएफबी की तैयारी करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।